देखो जहाँ तुम्हारा क्रैक था ना, इसको आपको ऐसे चुपका देना क्रैक के पास, वो हमें देखना छेद पे ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में आपको क्या बता रहा हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ। पहले तो मेरी कार में आ गया है ये क्रैक, दिख रहा है? ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, अंदर से दिखाता हूँ। चलो, ये मेरी गाड़ी में छोटा सा क्रैक आ गया है, इसमें पत्थर लग गया था, कंकड़ आया उड़कर पट लगा, तो इसमें जब से क्रैक बन चुका है। ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये रहा। तो अब आपको अंदर से दिखाता हूँ ये क्रैक। ये देखो, यहाँ पेड़ की रोशनी आ गई, ये क्रैक सा ही। मैं कैमरा साफ करके दिखाता हूँ एक मिनट। ये क्रैक दिखा आपको, ये क्रैक है, आगे से भी दिखाया, आप समझ जाओ। तो इसको मैं आज एक चीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है, कहाँ गया ये, मैंने गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है विंडशील्ड रिपेयर किट। देखो, विंडशील्ड रिपेयर किट है, इसमें क्या लिखा, बिफोर ऐसे आफ्टर ऐसे। देखो, इतना तो मैं भी मानता हूँ, ये इतना तो सही होने वाला नहीं है जितना इतने फोटो में दिखा दिया। बाकी चेक करके देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे लिखा 20 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में रिपेयर हो जाएगी आपकी ये शीशा जो टूटा हुआ है। चलो लेट्स ट्राई, होता है या सही नहीं होता। तो देखो गाइस, एकदम परफेक्ट सा फोकस हो गया है, ये दिख रहा होगा आपको क्रैक। तो यहाँ पे क्रैक आ चुका है, लेट्स ट्राई अब ये सही हो पाता है नहीं। तो गाइस, मैंने एक टूल किट खोला है, उसके अंदर हमें एक एप्लीकेटर बेस मिला है। इसको हमें कैसे यूज़ करना है बताता हूँ। ये चीज़ आपको होल दिख रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में किस लिए। तो इसको पहले हमें इसके अंदर लगाना है, फिर एक और हमें इसके साथ एक रेजिन मिला है, इस रेजिन को इसके अंदर डालना है। फिर उसके बाद इसको प्रेशर बनाने के लिए इसको इसमें डाल के आपको कसना है आपकी गाड़ी में, जब विंडो में टच हो जाएगा, विंडशील्ड में टच हो जाएगा तब। और उसके साथ हमें एक ब्लेड दे रखी है, उसका लास्ट में यूज़ है, कैसे करना है वो बताऊँगा। उसके साथ एक हमें कनिंग स्ट्रिप दे रखी है, अगर हमारा वो उससे सही नहीं हुआ तो लास्ट में हमें ये यूज़ करना है, मैं आपको बताऊँ। तो पहले हम इसे पहले अच्छे से साफ़ कर देते हैं, बाकी एक बार थोड़ा पानी डाल के भी साफ़ कर देते हैं, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि यहीं पर हमें रेजिन और वो चिपकाना है। तो ये लेवल हम अच्छे से देखो कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है, आपको अभी दिखनी होगी क्योंकि परछाई ऊपर पेड़ है ना, तो उसके पत्ते पे आ रहे होंगे। बाकी अब आपको ना इसके लिए थोड़ी एक निडल की भी ज़रूरत पड़ेगी, निडल भी अपने साथ लेना, क्योंकि जो इसके अंदर जितने भी वो थोड़े मिरर के पार्टिकल होंगे, ग्लास के पार्टिकल, वो हटा देना है हमें। वैसे तो मेरी गाड़ी में हट चुके हैं, ये रहे थोड़े थोड़े हट रहे हैं, आपको वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, बट आप जब हटाओगे आपको दिखेगा। मेरा इतना ज़्यादा क्रैक भी नहीं आया जिससे कि ये मिरर हटे, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सुई से और निकालता जा रहा हूँ। तो चलो, अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ, इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। मेनली ये है कि इसे हमें अच्छे से साफ़ करना है, पहले करती। देखो जहाँ तुम्हारा क्रैक था ना, इसको आपको ऐसे चुपका देना क्रैक के पास, वो हमें देखना छेद पे ये चीज़ अंदर जो है, इसके जो वाइट सा दिखाया था ना, वो छेद में जाना चाहिए। मैं आपको एक बार अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देखो गाइस, तो मुझे तो लगता है ये छेद में ही है, बाकी देखो अब नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है फिर इसको। ये देखो, छेद के पास ही है जहाँ तक है, तो इसको ऐसे लगा देना है, और इसके अंदर डलेगा रेजिन। तो गाइस देखो, ये है रेजिन, इधर आओ, ये यहाँ पे डलेगा हमारे ड्रॉप, ये जो है हम ड्रॉप डालना है इसके अंदर, और हमने वहाँ पे छेद में डाल चुके थे। जब हम ये इस ड्रॉप इसके अंदर डाल देंगे, बाकी हमें फिर इससे क्या करना है, जेंटली थोड़ा प्रेस करके फिर इसको, और मतलब हमें क्या है, बेसिकली रेजिन को जहाँ पे वो छेद है मिरर का, वहाँ पे हमें उसे प्रेस करके अंदर डालना है, तो ये इस काम आएगा बाद में। पहले हम रेजिन डालेंगे, बाकी आप अंदर से देखना रेजिन डालते हुए। गाइस, तो मैं ये अब इसके अंदर डालूंगा, तो कृपया करके जब भी आप ये यूज़ करें ना, तो ब्लेड या कुछ ऐसी चीज़ रखना, ये काट दो। हमने बहुत मुश्किल से निकाला, क्योंकि ये बंधा हुआ था, हमने सुई डाल डाल के बहुत मुश्किल से हुआ है। तो देखो मैं डालता हूँ, आपको अंदर देखना आ रहा है नहीं आया। तो मैं यहाँ पे 4-5 ड्रॉप डालूंगा, मेरा ज़्यादा है नहीं। तो गाइस, निकला नहीं था उस समय, मैं फिर से डाल रहा हूँ, देखना उस समय नहीं निकला था। अब आया होगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि पच पच आवाज आ रही थी इसका, आप मुझे वो देना।
तो अब दिख रहा है क्या आपको? तो अब मैं इस पे फिर से वो ट्राई करता हूँ। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा आते हुए, मुझे तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आपको दिख रहा होगा हिलता हुआ कुछ, आपको शायद से वीडियो में इतना पता ना चल रहा हो, बट आया तो है अभी थोड़ा सा लिक्विड। तो थोड़े अभी 4-5 मिनट तक छोड़ देते हैं, इसे और कसता हूँ। देखा थोड़ा महसूस होता हुआ कि आया है कुछ। ये बेसिकली गाइस रेजिन हमारी जो ये क्रैक हुआ है ना वहाँ पे अंदर, उसको भर देगा। बाकी अब छोड़ देते हैं 4-5 मिनट के लिए। तो ये लगा हुआ है अभी, जो हमने ये लगाया है, हमने दिख रहा है, दिख रहा है ना ऊपर? हाँ। तो अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ धूप की तरफ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो चलो चलते हैं। मैं धूप की तरफ आ गया हूँ और क्यों आया हूँ मैं आपको बताता हूँ, चलो आ जाओ। अब इसको हमें खोल देना है। अरे कीड़ा छुप गया था वहाँ पे एक, उसने हमारा कांच ख़राब ना कर दिया। अब इसको खोलना है, रेजिन अभी डालेंगे इसमें। ओहो ओहो, अभी तो और जाएगा इसमें, मैंने ज़्यादा ही घुमा दिया था। चलो कोई नहीं, बहुत है ऐसे। तो इसको आराम आराम से, जेंटली आराम आराम से निकाल लेना। ओहो, हमारा अभी अच्छे से हुआ नहीं, हमसे हो गई गलती, बट कोई नहीं, जितना जाना होगा चले गया होगा। देखो हमारी रेजिन थोड़ा नीचे भी आ गया है। अब बाकी रेजिन, अब इसको क्या है, हमें पन्नी रेजिन लगवाना है। देखो छोटा छोटा क्रैक दिख रहा होगा। तो ये स्ट्रिप यहाँ पे ऐसे, तो इसको हमने, आपने देखा होगा जैसे अप्लाई कर दिया था। तो अब इसको हम 15-20 मिनट छोड़ देंगे, धूप में रहने देंगे। देखो पूरा क्रैक तो हटेगा नहीं, बट ये है कि, चलो बाद में बताते हैं वो चीज़। हमसे थोड़ी सी हल्की सी गलती हो गई थी यहाँ पे, कोई नहीं। अब इसको ब्लेड से अभी करना है, जो लास्ट में आपको ब्लेड दिखाई थी उससे हटेगा ये। बाकी चलो अब 30 मिनट तक इसे धूप में रखना है, तो इसलिए मैं गाड़ी धूप में ले जाता, बताया था ना गाड़ी में धूप में ले जा रहा हूँ इसलिए लाया था। वो अलग बात है, गाड़ी अंदर से पूरी ठंडी गर्म हो जाएगी। अरे भैया YouTube वीडियो है, रील्स क्यों बना रहे हो उसको? तो अब देखो जो हमारा लास्ट का वर्क था, इस ब्लेड का काम है। इसको हमें अभी निकालना है, आधा घंटा हो चुका है हमें। आप 20 मिनट में कर सकते हो, बट आधा घंटा करोगे जितना करोगे उतना बढ़िया, दिख रहा होगा आपको। तो अब निकालते हैं, मैजिक देखते हैं जरा सही होता है नहीं। तो इसको अब निकाल देते हैं। निकाल दूँ? कमेंट्स में बताओ निकाल दूँ। तो ये निकाल दिया है हमने। अब ये जो, ये आपको ये दिख रहा है ये सब, इसको पहले थोड़ा यहाँ छुपा देता हूँ नीचे पर। अब इसको ये ब्लेड जो बताई थी ना लास्ट में, इसको ब्लेड से ऐसे ऐसे जो कितने अच्छे से निकल रहा है, लगता है इसी की पन्नी का वो वहाँ थोड़ा चुपक गया ना। ये ब्लेड इसलिए थी, तो बंद करता हूँ। तो ये देखो हमने निकाल दिया है, ये रहा, दिख रहा आपको थोड़ा सा, ये रहा। तो इतना इफेक्टिव नहीं है, बट ये है कि इससे क्या है आगे और, तो इससे क्या है आगे और क्रैक फैलेगा नहीं, क्योंकि जो रेजिन था ना उसमें भर चुका है, तो इससे और आगे क्रैक हमारा नहीं फैलेगा। तो गाइस आप अगर ये लगाओगे तो सेफ्टी पर्पस के लिए लगा लो, जिससे कि आगे और क्रैक ना फैले। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है, क्रैक आगे ना फैले। इसके ऊपर बाकी मैं स्टिकर लगा दूँगा, अच्छे से कुछ पता नहीं चलेगा, और आराम से अच्छे से चलाऊंगा, बहुत टाइम तक चलेगा क्योंकि क्रैक नहीं फैलेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।